बाबा। हाँ जी। जब लास्ट आत्मा आएगी ऊपर तो फर्स्ट आत्मा जाएगी, वो तो गर्भ में पांच महीने रहेगी ना। लास्ट आत्मा उतरेगी और फर्स्ट आत्मा जाएगी तो पांच महीने गर्भ में रहेगी। तो कैसे गर्भ में रहना जरूरी है क्या? गर्भ में रहते रहते नहीं मर जाते हैं? अरे मरते हैं या नहीं मरते हैं? तो ऐसे ही मर जाएंगे। और पावर तो आपको विल पावर विल माने इच्छा शक्ति। ऐसी तीव्र इच्छा शक्ति हो जिसमें अनिश्चय का नाम निशान न हो, उसको कहते हैं संकल्प शक्ति। इंद्रियों में सबसे बड़ी सबसे पावरफुल इंद्रिय कौन है? है मन है। क्यों पावरफुल है? क्योंकि और इंद्रियां इतनी पावर से काम नहीं कर पाती हैं। मन अगर एकाग्र हो जाए तो इतनी पावर है जितनी परमात्मा बाप में पावर है। बाप खुद ही आते हैं बच्चों को आप समान बनाने के लिए। तब कहा जाता है आत्मा सु परमात्मा। ऐसे नहीं कि हर समय आत्मा सु परमात्मा है, ये तो पुरुषार्थ की बात है। प्रैक्टिस की बात है। और चार मास। हाँ अभी मन की बात हुई ना, सबसे पावरफुल मन है। इंद्रियों की पावर से जो संतान पैदा होती है वो उतनी पावरफुल नहीं होती है। राधा कृष्ण का जन्म होगा सतयुग में, वो इंद्रियों की पावर से जन्म होगा। सतयुग में मुख की पैदाइश होती है, मुख का प्यार होता है, परंतु उससे भी ज्यादा ऊंचा ज्यादा पावरफुल प्यार और पावरफुल संतति पावरफुल सृष्टि संगम युगी की सृष्टि है, जहां मानसी संतान पैदा होती है। मन की एकाग्रता से समूची सृष्टि की जो मुख्य चार धर्मों की आत्माएं हैं उनकी बीज रूप आत्माएं जन्म लेती है। ये मानसी सृष्टि का कमाल है। जो सारी मनुष्य सृष्टि के पूर्वज साबित होते हैं, राधा कृष्ण को जन्म देने वाले मानसी सृष्टि के पावरफुल कहे जावेंगे या दैहिक इंद्रियों के पावरफुल कहे जाएंगे?
वो मानसिक सृष्टि के पावरफुल हैं पहले। उनमें जो ब्रह्मा है मानसिक सृष्टि वाला, जिसे महत ब्रह्म कहा जाता है, परम ब्रह्म कहा जाता है, कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है, परंतु परम ब्रह्म तो एक ही है। जो मानसिक शक्ति की एकाग्रता के कारण सारी सृष्टि में मान्य हो जाता है, इसलिए शास्त्रों में ब्रह्मा के चार पुत्र जो मानसिक सृष्टि से पैदा हुए कहे जाते हैं, वो बहुत पावरफुल माने गए हैं। नाम दिया गया है सनक सनातन सनंदन सनत कुमार। किस आधार पर सबसे बड़े हुए? मनसा की पावर के आधार पर सबसे बड़े हुए। और बड़े बड़े जब ज्ञान में आएंगे तो बाबा नीचे उतरेंगे। हाँ, मतलब यह है कि तुम बच्चे तो सब तमो प्रधान बने पड़े हो। तमो प्रधान आत्माएं सेवा का काम कार्य अच्छा कर सकती है या बाप दादा अच्छा काम कर सकते हैं? है? हाँ, तो ऐसे बड़े बड़ों को समझाने के लिए फिर बाप को खुद आना पड़ता है। कोई बच्चों में दृष्टि की पावर देते हैं, कोई बच्चों में ज्ञान की पावर देते हैं, कोई बच्चों में वाइब्रेशन की पावर देते हैं। और बड़े बड़े तो ज्ञान आपके आने वाले हैं, आएंगे बड़े बड़े का मतलब ये है कि दूसरे दूसरे धर्मों में जो बड़े कहे जाते हैं बहुत पावरफुल हैं, सारी दुनिया को और भारत को खास कंट्रोल में किया हुआ है। नीचे आए हुए हैं, लेकिन नीचे शक्ति देखने में आती है, देखने में आती है। जब शक्ति नहीं देखने में आती है तो आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं बराबर हो गया। वो प्रत्यक्ष शक्ति देखने में आवेगी। जो दुनिया को मानना ही पड़ेगा कि कोई पावरफुल सर्वशक्तिवान नीचे आया हुआ है। और बाबा ये राम बाप चौरासी जन्म में कितनी बार राजा बनते हैं? बाप आकर राजयोग सिखाकर राजा ही का वर्षा देते हैं। वो राजा ही का वर्षा एक को देते हैं या सभी को देते हैं? देते तो सभी को हैं, परंतु पुरुषार्थ के अनुसार वो राजा ही का वर्षा मिलता है। हाँ, किसी को जास्ती और किसी को कम मिलता है।
जो राज परिवार के सदस्य होते हैं उनकी भी हुकूमत चलती है या नहीं चलती है? उनकी भी हुकूमत चलती है। तो बाप रोज जो राज परिवार तैयार करते हैं उस राज परिवार की संख्या कितनी है? 16,108 है। उनमें 16,000 का नंबर भी है जिसको दिखाया गया है कि त्रेता के अंत में टूटे हुए राज्य की राजाई लेता है। और एकदम जुड़ा हुआ राज्य कौन से जन्म का है? जो संगम युग में जो राज्य तैयार होता है बाप की छत्र छाया के नीचे राज्य तैयार होता है वो बड़े से बड़ा राज्य है दुनिया का। उसको कहा जाता है विश्व की बादशाही। तो जो विश्व की बादशाही है वो दुनिया में एक ही बार ली जाएगी कि बार बार ली जाएगी? एक ही बार ली जाती है। जो विश्व की बादशाही लेने वाला है उसको छोटी छोटी राजाइयों की कदर होगी है? उनको कुछ मानेगा समझेगा नहीं समझेगा? बाकी ऐसे नहीं है कि वो राजा बनता नहीं है। शास्त्रों में तो लिखा हुआ है चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसका मतलब क्या हुआ कि सृष्टि का आदि कौन सा युग है? संगम युग है। जैसे सृष्टि के आदि के युग में ऊंचे से ऊंचा राजा बनता है ऐसे ही हर युग के आदि में वो ऊंचे से ऊंचा राज्य करने वाला बनता है। द्वापर के आदि में भी विक्रमादित्य के ऊपर राजा कोई राज करने वाला होगा या नहीं? कौन है? तो उसका गुरु कहा जाता है, उसका बाप कहा जाता है, वो उसके ऊपर भी राजाई करने वाला है। परंतु वो राजाई दिखावे की है या अंदर की है? है अंदर की है। बाकी ऐसे नहीं है कि जो हीरो पार्टीधारी है वो हर जन्म में राजा बनेगा। उसे हर जन्म में राजा बनने की तसल्ली है, इच्छा है, या अपने बच्चों को राजा बना हुआ देखना चाहता है? बाप क्या चाहता है? हैं? खुद राजा बनना चाहता है हर जन्म में या बच्चों को राजा बना हुआ देखना चाहता है? कोई भी बाप ये चाहता है कि हमारी दुकान को हमारा बच्चा संभाले और मेरे से भी ज्यादा अच्छा संभाल के दिखावे। तो ऐसे ही है, हर जन्म में राजा बनने की उसे दरकार नहीं है। और बाबा ये तारा किसका बच्चा है? तारा एक होता है सूर्य। सूर्य कौन है? कौन सी आत्मा को सूर्य कहेंगे? नहीं, हर राम वाली आत्मा सूर्य की तरह सदैव दमकती रहती है या चमक और दमक कम भी होती है? तो सूर्य कहाँ हुआ? कौन सी आत्मा सूर्य हुई? शिव की आत्मा सूर्य है। वो कभी भी अंधेरे में नहीं आता। बाकी सब सितारे हैं।
उन सितारों में एक सितारा ऐसा है जो अपनी जगह पर अटल है, बाकी अटल नहीं है। आज निश्चय बुद्धि है और कल अनिश्चय बुद्धि होते हैं, अपना स्थान छोड़ देते हैं, इसलिए उसे एक हीरो पार्टधारी के आसपास सबको चक्कर काटने पड़ते हैं। इसलिए आसमान में भी जो जड़ सितारे हैं उनमें एक ही सितारा है जो अपनी जगह पर निश्चल रहता है, हिलता नहीं है, डोलता नहीं है, अटल रहता है और बाकी सब टलते रहते हैं, विचलित होते रहते हैं। ये कहां की बात है, संगम युग में ही ऐसा नजारा सामने आवेगा। जो कहते हैं कि दुनिया में हमको कोई अनिश्चय बुद्धि बनाए नहीं सकता, माया उनको भी चैलेंज देती है, कहती है ऐसा अहंकार कोई भी न करे, ये तो एक ही आत्मा का गायन है जो माया पर जीत पाती है। आज से लेकर के अंत तक अटल रहती है। इसलिए ध्रुव तारा कौन सी आत्मा का गायन हुआ है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसे मुरलियों में बोला है राम बाप को कहा जाता है, वो ही ध्रुव तारा है। और एक आदि स्थापना का आदि रत्न है, एक आदि स्थापना का आदि रत्न, एक सेवा का आरंभ का आदि रत्न, ये दोनों रत्न में क्या मत है? सेवा और स्थापना, स्थापना करना सेवा है या नहीं है? है, वो भी सेवा है। और पालना करना वो भी सेवा है, और विनाश करना वो भी सेवा है। तो स्थापना का आदि जो ब्रह्मा कहा जाता है वो सेवा का भी आदि है। ब्रह्मा अनेकों के नाम है, उनमें जो परम ब्रह्म कहा जाता है वो सेवा का भी आदि है और स्थापना का भी आदि है। जो स्थापना करता है वो पालना भी करता है, ब्रह्मा सो विष्णु कहा जाता है। अब आत्मा चार युगों से जाती है, मतलब कभी आठ युग होती है, और सतयुग त्रेता युग में तो बल से बच्चे पैदा नहीं होते, सतयुग और त्रेता युग में योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। हाँ जी, और कलयुग और द्वापर में बबल से बच्चे पैदा होते हैं। तो शूटिंग काल में बच्चे जो यहाँ जीतते हैं नीचे, वो शूटिंग को नियम से वो नहीं है। हाँ, तो 100 × 300 बच्चे से लगाया जाता है। हाँ, इसीलिए लगाया जाता है। को कोई बच्चे तो आसुरी बच्चे पैदा करने में बहुत लगे रहते हैं, और कोई शेर जैसे एक बच्चा पैदा करता है, ढेर के ढेर पैदा नहीं करते हैं। शेर कितने बच्चे पैदा करता है और गीदड़ कितने बच्चे पैदा करता है और सुअर कितने बच्चे पैदा करता है? ये दुनिया में जनरेशन्स हैं,
मुसलमानों की जनरेशन को देखो और देवताओं की जनरेशन को देखो, ज्यादा पैदाइश किस में होती है? जो नीच होते हैं उनमें पैदाइश भी जास्ती होती है। और बोलते वो तो अपना हर गाँव हर तरफ जाते थे, बहुत सारे बच्चे तैयार होते ना। क्या बोला? के लोग इतने समझ नहीं करते हैं। हाँ तैयार होंगे तो क्या? हाँ तो गावड़े के हैं ना, उनको गावड़े का ही कहेंगे ना, गावदू कहेंगे, गावड़े के कहेंगे या शहरी पढ़े लिखे कहेंगे, क्या कहेंगे? बस। और हाँ आज की मुर्गी सूर्य की स्थापना होती है बाबा, सूर्य की स्थापना होती है वहाँ गुलेर का पेड़ क्यों लगाया जाता है? काय का? गुलेर क्या? उदुम्बर जहाँ जहाँ शिवलिंग होता है, जहाँ जहाँ शिव का मंदिर होता है वहाँ गुलेर होता है, उदुम्बर होता है, ऐसा तो कोई पक्का नहीं देगा। वो यहाँ होगी परंपरा, लेकिन ऐसी हर जगह तो परंपरा भी नहीं है। और शिव के मंदिर के साथ उदुम्बर का पेड़ भी नहीं देखा। उसका अर्थ यही है कि वो इंद्रियों को ग्रहण करता है। क्या? शिव जो है वो इंद्रियों को ग्रहण करता है, इंद्रियों से ही कर्म करता है, लेकिन उसकी अपनी इंद्रियां नहीं है। जो लिंग रूप में दिखाया जाता है वो लिंग बड़ा रूप है, और उसमें जो बिंदु दिखाते हैं वो शिव का यादगार है। जैसे सोमनाथ मंदिर में लाल पत्थर का लिंग था और उसके बीच में हीरा जड़ा हुआ था, तो वो हीरा किसकी यादगार हुई? शिव की यादगार है। और पत्थर जिसमें प्रवेश किया उसकी यादगार है। और बाबा आत्मा बिना शरीर के भी देख सकती है, शरीर में आने के बाद उनके शरीर में निकलने के बाद वो भी देखती सुनती बोलती है, वो कैसे आत्मा शरीर में आने के बाद देखती है सुनती बोलती है, शरीर से निकल जाने के बाद भी देखती है सुनती है? तो शरीर सूक्ष्म शरीर नहीं होता है क्या? सुप्रीम सोल शरीर में आकर के ही देखता सुनता है, बिना शरीर के न देखता है न सुनता है न बोलता है। है हाँ जी, अनुभव लेने के लिए शरीर चाहिए। भक्ति मार्ग में भी गायन तब होता है जब लिंग में प्रवेश करता है, बिना लिंग में प्रवेश किए, बिना साकार में प्रवेश किए उसका गायन भी नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि वो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानने वाली एक ही आत्मा है। बाबा कहते हैं
ये झूठे मंदिर बड़े बड़े पहाड़ पर बना रहे हैं। मगर आप ये जमाने के तो शेर के अंदर महादेव जी के मंदिर बन पड़े हैं और घर में महादेव जी के मंदिर है। तो पहाड़ों पर कैसे जाना पहाड़ों पर सदैव ऊंची स्टेज में रहते हैं या कभी कभी नीची स्टेज वाले में भी प्रवेश करते हैं? हाँ, जब नीची स्टेज वाले में प्रवेश करते हैं तो नीची स्टेज माना पुरुषार्थ की शुरुआत है और पुरुषार्थ का अंतिम चरम लक्ष्य जब प्राप्त होता है तो उसे कैलाश पर्वत पर कहा जाता है, ऊंची स्टेज वाला कहा जाता है। कलयुग के अंत में जिस लिंग रूप में प्रवेश करते हैं वो नीची स्टेज में होता है या ऊंची स्टेज में होता है? हैं? नीची स्टेज में होता है, इसलिए नीचे स्टेज में भी मंदिर बना देते हैं। जब ऊंची स्टेज वाला था तो ऊंचाई पर बनाते थे, जब नीची स्टेज वाला है तो नीचाई पर बनाते। और बीपी में ये तो बीपी नाम लग जाता था है? फिर पीबी की राय तो पीबी के नाम आता है। फिर कभी कभी सिंगल पी डबल पी सिंगल पी पी लगा के बोले, कभी कभी मुरली में डबल पी सिंगल पी आता है, इसका मतलब है 100 पी लगा दो 1000 पी लगा दो है। अरे प्रजापिता एक होगा या 100-100 होंगे, तो कितने पी लगाना चाहिए? अरे सारी मनुष्य सृष्टि का पिता एक होगा या 100-200-1000-2000 होंगे, एक ही होगा। ये बेवकूफी है या होशियारी है? और हाँ। बाबा आज की बोली अच्छी थी। बाबा ने बोला कुमारी और माताओं को आगे बढ़ने के लिए बोला है, निर्भय बनने के लिए बोला है। पर ऐसा होता है कुछ कुमारी और कुछ माताएं गिराने के लिए निमित्त बनती है। वो तो सुपन खा पूतना बता दी, वो तो कोई कोई है और पुरुषों को बंटुआल जो रामायण दुनिया में जो मनुष्य मात्र है उन सबको पाप लगते हैं। दुनिया में जो मनुष्य मात्र है सब उनको सबको पाप लगते हैं, लेकिन ये तो यही से एक आत्मा है जो उनको पाप नहीं लगते, वो आत्मा को। जो ज्ञान के आधार पर सबका बाप साबित हो जाती है उसको ज्ञान देने वाला, उसको ज्ञान का बीज डालने वाला कोई भी बाप साबित नहीं होता। वो सबकी बुद्ध रूपी योनि में ज्ञान का बीज डालने वाला है, लेकिन उसकी बुद्धि में कोई भी ज्ञान का बीज डालने वाला नहीं है। तो वो एक ही है जिसको कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता, वो साहब का टीचर है लेकिन उसका कोई टीचर नहीं, उसको दुनिया में कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। वो सबको प्रभावित करता है, प्रभावित माना प्रजा, माना सारी दुनिया में सब उसकी प्रजा बनते हैं लेकिन वो किसी की प्रजा नहीं बनता। बरसात में बिजली बरसते है, कौन रहती है? बरसात में बिजली बरसते है, बिजली बरसती है, बिजली बरसती नहीं है, बिजली गिरती है, पानी बरसता है। हाँ, तो कौन रहती है? कौन रहती है? वो तो संघर्ष होता है,
ऊर्जा पैदा होती है जिससे लाइट ही लाइट हो जाती है थोड़े समय के लिए। और हाँ शिव अपने समाज को बनाता है, है? 11 को बना के क्या अभी जो है पहले एक दो को अपनी समान बनाता है, एक 11 को बनाता है, तो उनकी गुणधर्म में चिंता क्या होंगी उनके 11 ग्रह पर जो 12 राशियों का हिसाब है तो 11 और 12 का भी हिसाब है। दुनिया में हर एक मनुष्य की कोई न कोई राशि होती है या नहीं होती है, और राशियां टोटल कितनी है, और सारी दुनिया कितनी राशियों में बांटी जाती है, 12 राशियों। कोई भी धर्म की आत्माएं हो उनके पूर्वज जरूर 12 में से कोई एक होंगे। और हाँ, तीन धर्मों की वृद्धि होती जा रही है, तीन धर्मों की वृद्धि होती जा रही है, कबीर में चार, तीन धर्मों की वृद्धि होती है द्वापर और कलयुग में। और क्या पूछना चाहते, तीन धर्म कौन से हो, इस्लामी बौद्धी और क्रिश्चियन, इनकी वृद्धि होती है और देवी देवताएं सनातन धर्म की आत्माएं क्षीण होती जाती हैं, उनकी संख्या घटती जाती है और इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन की संख्या बढ़ती जाती है। हाँ। संख्या घटती है या कमजोर होती है, दुनिया की संख्या बढ़ती है या कमजोर होती है, दुनिया की जितनी धर्मों की संख्या बढ़ती है, दुनिया की संख्या बढ़ती है और जो सूर्यवंशी है उनकी संख्या घटती भी है और कमजोर भी होते हैं, घटती भी है, घटती भी है, क्योंकि सूर्यवंशी ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, अर्थात दूसरे धर्मों में जाके जन्म लेते हैं। और तो 12 राशि होगी बाबा, शिवमत होकर रहते हैं नहीं, जब राशियां 12 हैं तो एक मत कैसे हो जाएंगी, इसलिए जैन सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है कि एक ही बात के 12 तरह के अर्थ निकाले जाते जा सकते हैं, है एक ही बात लेकिन अर्थ 12 तरीके के निकाल देते हैं। बाप समान कैसे हो सकते हैं, बाप समान होंगे या गुड़िया नीचे ऊपर होंगे तो समान कैसे कह दिए, 12 होंगे तो एक के नीचे एक, एक के नीचे एक होंगे ना, पहला तो ऊपर होगा ना, पहला तो ऊपर होगा ना, क्योंकि 12 उन 12 में नंबर बार वो प्रवेश करता है जिसे लिंग कहा जाता है, वो शिव नहीं है 12 में व्यापी, वो शिव जिसे मुकर्रर में प्रवेश करता है वो 11 में व्याप्त होता है पहले। ऐसे तो सारी दुनिया में व्याप्त हो जाता है, 500-700 करोड़ की मन बुद्धि में कौन रमण करता है, कौन व्याप्त होकर रहता है, एक ही राम बाप है जो सारी दुनिया में व्याप्त होकर रहता है, उसे कहते हैं योग बल के आधार, स्मृति का आधार, जिसे कहते हैं सन्यासी बुदबुदे सागर में समा गए। जो सन्यासी हैं, उनको जब ये ईश्वरीय ज्ञान सुनाया जाएगा जाता है तो अंदर अंदर उनका दिमाग बुदबुदाता रहता है, बाहर से कोई जवाब नहीं दे सकते,
ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी जवाब नहीं दे सकते, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी कोई जवाब नहीं दे सकते, लेकिन अंदर 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 बुदुर 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 करते रहेंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा वो सारे बुदबुदे उस एक में समा जाएंगे। सबके जो संकल्प है तुंडे तुंडे मतिर भिन्न, वो सारे भिन्न भिन्न संकल्प एक के संकल्प में समा जावेंगे, तिरोहित हो जावेंगे। वो एक ही याद रहेगा सबको और सब कुछ भूल जावेगा। और ब्रह्मा बाबा अभी 50 साल साकार के कम हो गए। हाँ जी। तो फिर उसकी ब्रॉड ड्रामा में शूटिंग, ब्रॉड ड्रामा में शूटिंग माने ना सर, फिर है? उनका पार्ट कैसे रहेगा? फिर उसका पार्ट कैसे रहेगा? अभी तो साकार ऐसा ही रहेगा, अगला कल्प आएगा तो फिर 50 साल कम हो जाएंगे। किनको? ब्रह्मा बाबा को साकार शरीर मिल जाएगा, उनको उनको साकार शरीर मिलेगा, बस तो फिर 68 साल बोलना चाहिए था ना? नहीं तो 50 क्यों बोला? 50 इसीलिए बोला कि इस ब्रॉड ड्रामा में उनको साकार शरीर से जन्म नहीं मिलता, 50 साल नहीं मिलता। 50 साल तो अठारह में पूरे हो जाते हैं। 50 साल अठारह में पूरे हो जाते हैं। कहाँ 50 साल, 50 साल अठारह से अठारह में पूरे हो गए। 70 से लेके तो अठारह में 70 से शरीर को वो शरीर जिसको तुम शरीर समझते हो वो नहीं है। ब्रह्मा की आयु, दादा लेखराज की आयु कब पूरी हुई? फिर 87-88 में पूरी हुई है। हाँ जी, तब से गिना जाएगा। हाँ, और राधा कृष्ण बगीचे में मिलते थे ज्ञान रत्नों से कहते है। राधा वाली ज्ञान में है भी नहीं, मानती नहीं ना मतलब वो ज्ञान को, बंधन में है, बंधन में है इसलिए नहीं मानती। वो तो बकरी है जिसने कान पकड़ लिया उसके अंडर में है, अब तुम जाके कान पकड़ लो तुम्हारे अंडर में आ जाएगी। हाँ हाँ, फिर आकर के खेलेगी। ये बगीचा है ना, ये सारा क्या है, ये भी बगीचा है। और रामायण महाभारत और देवासुर संग्राम के लिए नारी निमित्त बन जाती है, कैसे बाबा इसका महत्व अर्थ क्या है? क्यों रामायण में निमित्त कौन बनी लड़ाई के, कैसे की क्या बात है? अभी तक यही नहीं समझा। घर घर में जो आज लड़ाई हो रही है उसमें निमित्त कौन बनती है? इस लड़ाई का ही तो नाम दे दिया कालीदह है। है है कितने साल का हो जाता है? 18-20 साल का होगा तब गद्दी पर बैठेगा। हाँ जी, तो ये जो गायन की बात बाबा ने बताई वो किस समय की बताई? संगम की बात है। तो विश्व का मालिक कब बनेगा? 18। अरे विश्व का मालिक अगर एक भी आत्मा नहीं मानती है तो विश्व का मालिक कहेंगे? तो वो कौन सा टाइम आएगा जो 500-700 करोड़ आत्माएं सब मानेंगी, कब आएगा? नहीं, 18 में तो शुरुआत है। 18 के लिए तो बोला है 40-50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, तो 40 वर्ष पूरे होंगे तो एक नंबर आएगा और 50 वर्ष पूरे होंगे तो जो भी राजयोग सीखने वाले बच्चे हैं वो सब सतो प्रधान बनेंगे।
राज परिवार ही सत्व प्रधान बन जाएगा। उनको कहा है तुम बच्चे, श्री कृष्ण को बोला है कि 18 से 20 साल में राजगद्दी पे बैठेगा। हाँ। अब वो कृष्ण की ही आत्मा है राम वाली शरीर के द्वारा। हाँ। वो 18 से लेकर के और 36 तक कितने साल हुए? उस समय विश्व का बादशाह हुआ कि नहीं हुआ? और नंबर का है विष्णु, वो बहुत पावरफुल है। पहला बच्चा पावरफुल होता है ना। यहाँ संगम की बात है या द्वापर कलयुग की बात है? बात कहाँ की है? और संगम में उल्टी सीढ़ी चढ़ी जाती है या सीधी सीढ़ी उतरते हैं? है उल्टी सीढ़ी चढ़ी है। तो इस्लाम धर्म की वो बीज रूप आत्मा है, इसलिए बहुत पावरफुल है। अरे एक भाई बोलो। राम तेरी गंगा मैली, वो राम की गंगा कौन से युग में मैली? हमेशा बैठी रहती है कि कभी मैली भी होती है, नीचे भी उतरती है। अरे वो गंगा शास्त्रों में सदैव सर के ऊपर बैठी हुई दिखाई है या कभी नीचे भी उतरती है? जब जब नीचे उतरती है तो मैली, और जब सर पे चढ़ाई जाती है तो उजली। इसलिए मुरली में बोला है कि जो नदियां जिन नदियों का बाप से कनेक्शन नहीं है वो नदी नहीं है, वो नाला है। ये कनेक्शन की बात है। कनेक्शन कोई जटाओं से नहीं होता है, ये बुद्धि के कनेक्शन की बात है। बुद्धि रूपी सर कहा जाता है। सर में बैठी हुई है माना बुद्धि में बैठी हुई है, बुद्धि से कनेक्टेड है, बुद्धि से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो मैली है या उजली है? उजली है। और बोला है सब मंदिर टूट जाएगी, एक मंदिर टूटेगा नहीं, एक बड़ा मंदिर टूटेगा नहीं। ये बोला है कि सब मंदिर गिर जाकर टूट जाएगी। सब मंदिर गिर जाकर टूट जाएगा, मंदिर मस्जिद गिर जाकर टूट जाएंगे। मंदिर किसकी यादगार है? मंदिर में कौन बैठता है? बैठने वाला कौन? मंदिर में अगर बैठने वाला सबसे ऊंचा है और गिरजाघर में गुरुद्वारे में मस्जिद में जो बैठने वाले हैं वो सबसे ऊंचे हैं या नंबरवार हैं? तो जब सब धर्मों की आपस में लड़ाई होगी या सब ग्रह आपस में टकराएंगे तो कौन बचेगा? है? अरे ग्रह नौ हैं, नौ ग्रह आपस में टकराएंगे तो बड़ा कौन है? बृहस्पति बड़ा है, वो बड़े से बड़ा पति है, सबका पति है, पतियों का पति है। तो कौन बचेगा? सारे ग्रह आपस में टकराएंगे महाविनाश में तो छोटे मोटे रह जाएंगे या बड़े से बड़ा रह जाएगा? तो इसमें आश्चर्य क्या है? इसमें क्यों आश्चर्य आ रहा है आपको? है हाँ क्या?
अमृत वेले की याद क्या कर सकते जो चाहे वो कर सकते हाँ अमृत वेले की याद अगर एकाग्रता में स्थिर हो जाए तो अमृत वेला शुरू होता है 1:30 बजे से और सूर्योदय तक 5 बजे तक कितने घंटा हुआ है 4 घंटा हो गया। 4 घंटे अगर कोई एक आसन पर बैठ जाए तो वो आसन उसका सिद्ध हो जाता है। 4 घंटे नहीं, वो चाहे तो 24 घंटे उसी आसन पर बैठा रहे, सिद्धि प्राप्त हो जाती है उस आसन के बारे में। वो तो शरीर की बात हुई, ऐसे ही मन अगर 4 घंटे एकाग्र हो जाए तो मनसा की सिद्धि प्राप्त होगी या नहीं होगी? सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। फिर जो संकल्प करेगा वो ही काम हो जाएगा, उसको कहते हैं संकल्प सिद्धि। ये 24 घंटे में नहीं हो सकती है, कब हो सकती है? ये प्रैक्टिस अमृत वेले ही की जा सकती है, जबकि सारी दुनिया सो जाती है और बाप के बच्चे जागते रहते हैं। सारी दुनिया के लिए रात हो जाती है ज्ञान की और बाप के बच्चों के लिए दिन हो जाता है। जो गीता में लिखा है या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, ये अमृत वेले की विशेषता है। बाबा अमृत वेला में कभी कभी मन एकाग्र नहीं होता है, तब सीढ़ी लगाना चाहिए क्या नहीं? पहले जगने की प्रैक्टिस तो कर लो, मन को एकाग्र बाद में करना। आंख जो इंद्रिय है उसको तो कंट्रोल कर लो, आंख ज्यादा पावरफुल है या मन ज्यादा पावरफुल है? तो पहले किसको कंट्रोल करना पड़े? मन को है, इंद्रियों को चालू रखे और मन एकाग्र हो जाए। जैसे वो ब्रह्मा कुमार कुमारी करते हैं, क्या आंखों को चालू रखते हैं संदली पे बैठ के और मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आंखों का संग करते रहे और मन एकाग्र हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? भाई नहीं है, माता ने चेरी छोड़ा, माता ने चेरी छोड़ा और भाई ने चेरी छोड़ा, तो 5 भाई रहते, 2 पीछे चलते 2 आगे चलते, आधी एक आगे चलता है, बाकी राम नाम सत्य ऐसे चलता, तो बेहद में 5 भाई कौन से? 5 भाई पांडव के रूप में प्रसिद्ध नहीं है क्या? है तो कौन है बड़ा भाई? बाबा हाँ, ये सतयुग में चांद नहीं रहेगा, मना रात रात दिन नहीं रहेगा, सदा मना हरदम दिन नहीं रहेगा, ये कैसे कह दिया? चांद नहीं रहता ना, चांद नहीं रहेगा तो फिर चांद नहीं रहेगा, तो चांद कहाँ रहेगा? वो राकापति कहा जाता है, चांद को राकापति कहते हैं, राका माने रात, वो रात का पति है, वो चंद्रमा जो है वो रात में पति के रूप में उदित होता है, वो ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ जाएगा? धरती में समा जाएगा।
उपग्रह है, चांद को उपग्रह कहते हैं या ग्रह कहते हैं? किसका उपग्रह है? तो किसका बच्चा हुआ? तो जिसका बच्चा है उसी के पेट में समा जाएगा, समा जाएगा। हाँ, जो शास्त्रज्ञ ये जो बताते हैं जो अटलांटिक महासागर बोले एक चांद से निकलने की वजह से गड्ढा गिरा है, हाँ तो बात सही है। अरे तो ये सही नहीं तो वो दिखाया कैसे गया है? मैं वहीं से निकला है। चलो बाबा वही के पैसे है ना फिर बाबा रुक जाओ, रुक जाओ पहले दो मिनट। क्या दिया बाबा? हाँ आज वहीं से निकला है। हाँ जी अब आपको प्रश्न आ रहा है सो प्रश्न पूछो। वो तो निकला है, वो तो बता दिया। नहीं वो सही था यार, गलत था ये। एक बात जो एक बार कह दी उसको बार बार पूछने से क्या फायदा? आपको उसमें कोई प्रश्न पैदा होता है तो पूछो। नहीं नहीं हम ये सोच रहे थे कि चांद मेरा रात में नहीं निकलेगा तो वो जाएगा कहाँ? जो रात पैदा करता है उसी में जाएगा। सूरज रात पैदा करता है या धरणी पर रात पैदा होती है? बस बाबा है आत्मा का वाइब्रेशन देना तो कैसे देंगे? टॉर्च किसी पर फेंकते हैं तो कैसे फेंकते हैं? जैसे टॉर्च की रोशनी फेंकते हैं ऐसे सर्च लाइट फेंको। बाबा ये पूरे रास्ते को एक सौ एक पैसा है, क्या है कौ माने कौआ और रब माने शोरगुल। जो कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल जीवन देखा जाए तो सिवाय गंद खाने के, होटल खोलने के फाइव स्टार और उसमें गंद फैलाने के कोई दूसरा काम नहीं करते। उनको कौरव कहा जाता है। कौए क्या करते हैं? काव काव भी करते हैं। आओ 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 हम भी खाओ और तुम भी खाओ। जन्म कैसे जन्म कैसे लिया कुरु। उनके जनक का नाम था कुरु। कुरु माने करने वाला, जो समझते हैं मैं करने वाला हूँ। मैंने किया, मैं इस दुनिया को स्वर्ग बनाऊंगा, मैं दिल्ली को स्वर्ग बनाऊंगा। वो कौन हो गए? कुरु। और उनकी औलाद कौरव। हाँ बेसिक में घटनाएं होती है, जब टीके में थे तो कुछ हिसाब किताब हमारा कुछ आत्माओं के साथ था, तब एडवांस में आने के बाद वही बेसिक वाले आत्माएं अपना हिसाब किताब शुरू करेगी क्या? ये 2013 में जो गंदम्बा आने वाले उसके द्वारा एक कुमार कहाँ पहुँच रहा है? जो बेसिक में हिसाब किताब थे अभी हम तो एडवांस में है, और कुछ आत्माओं के द्वारा ये जगदम्बा कार्य करा लेगी तो ऐसा हो सकता है क्या? चंदा मछली द्वारा ये क्या पूछ रहे हैं? किसी ने समझा? तुम्हारी भाषा किसी को समझ में नहीं आ रही। मैं अभी बताता हूँ। हाँ, हम बेसिक में थे। थे? हाँ, तो आत्माओं ये सारे ही बेसिक में थे मोस्टली। हाँ अभी है ना जो एडवांस को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं। हाँ तो जो आत्माएं है तो उनके द्वारा जगदम्बा अपना कार्य करा सकती है क्या गिराने का? एक सीधी सी बात बता दी एडवांस में कि कीचड़ जाकर के कीचड़ में मिलेगा, दूध जाके दूध में मिलेगा, पानी जाके पानी में मिलेगा। जो इस्लाम धर्म वाले हैं वो इस्लामियों से मिल जाएंगे,
क्रिश्चियन धर्म वाले बीज क्रिश्चियन से मिल जाएंगे, बौद्धि धर्म वाले बीज बौद्धियों से मिल जाएंगे। और प्रैक्टिकल में अभी बेसिक में देख लिया जाए कि बेसिक वाले दुनियावी धर्म वालों के भक्ति मार्ग वालों से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, वहां शुरुआत हो गई, यहां भी बाद में होगा। तो जगदम्बा जो है रुद्रमाला में सबसे लास्ट का मणका है या फर्स्ट मणका है? लास्ट का मणका सबसे कमजोर मणका हो जाता है या सबसे पावरफुल हो जाता है? हैं? सबसे कमजोर हो जाता है। और दो ही मुख्य धर्म है जो भगवान आकर के स्थापन करता है और जिन्हें एक बना देता है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। उन दोनों में अगर देखा जाए तो कौन नीचे गिरते हैं ज्यादा और कौन ऊंची स्टेज में रहते हैं द्वापर कलयुग में भी है? सूर्यवंशी तो अंतिम जन्म में गिरता है, लेकिन इस्लामियों से, बौद्धियों से, क्रिश्चियंस से, जो भी दुनिया के धर्म वाले बच्चे हैं, जगत के बच्चे हैं, उन बच्चों से जगदम्बा ज्यादा प्रभावित होती है कि और धर्म वाले ज्यादा प्रभावित होते हैं? तो जो प्रभावित होती है वो सबकी प्रजा बन जाती है, प्रजा में ज्यादा ताकत होती है, या प्रभावित करने वाले राजा में ज्यादा ताकत होती है। तो जगदम्बा ही कमजोर बन गई तो दुनिया की सारी माताएं अबला बन गई। कलयुग के अंत में माताएं अबला बन जाती हैं और माताओं की माता है जगदम्बा। कोई गिराने का काम नहीं करता, कोई उठाने का काम नहीं करता। इसलिए गीता में कहा है प्रकटे क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। प्रकृति के जो तीन गुण हैं वो तीन गुणों के स्वभाव से सारी दुनिया चल रही है। हर आत्मा में, हर एक सृष्टि के कण कण में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। 5000 वर्ष के ड्रामा में जो कण जहां से शुरुआत होता है, घूमते 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 वहीं जाकर के पहुंच जाता है। ये पार्ट एक एक कण में नुधा हुआ है, एक एक आत्मा में भी वो पार्ट नुधा हुआ है। तो किसको दोष देंगे? जगदम्बा को दोष देंगे? कहेंगे कि जगदम्बा दोषी है? कहेंगे नहीं, ये ड्रामा बना हुआ है। है किसी आत्मा के द्वारा नहीं उसके बदले बनती है क्या? कोई आत्मा उसका पिकअप करने के लिए आएगी तो? हर आत्मा का पाप पुण्य उसके साथ जुड़ा हुआ है, कोई दूसरे को ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। हमने पाप किया है तो हम ही भोग रहे हैं, ऐसे नहीं कि हमको नीचे गिराने वाला वो है। नहीं, हमको नीचे गिराने वाले या ऊंचे उठाने वाले हमारे ही अपने कर्म हैं। संगम युग में शूटिंग हो रही है,